नहीं करा सर। एक जानकारी यूपी पुलिस में कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिजिकल होगा या रिटेन होगा पहले? भाई समझना क्यों है, व्हाई, ये समझना क्यों चाहते हो? एक बात तो बताओ, तुम लोग ऐसे कब तक भटके रहोगे? दिल्ली पुलिस हुआ, मैं हमेशा से अपनी क्लासेस में ये कहता रहा बच्चे, जब आप एक स्टूडेंट हैं और आप एक किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें फिजिकल आता है, फिजिकल कंडक्ट होगा भी, तो सच सच बताना यस और नो लिख के, क्या आपका धर्म नहीं बनता कि आप सुबह जागें और अपनी बॉडी को एटलीस्ट 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट ट्रेंड करें? कम से कम 5 मिनट आप हर रोज दौड़ें। अगर आप ऐसी किसी भर्ती की तैयारी करते हैं जिसमें फिजिकल आएगा, कम से कम 5 मिनट आप दौड़ें, 7 मिनट, 10 मिनट, वो 4 मिनट भी हो सकता है, यस और नो। तो आपका धर्म बनता है कि आप खुद को ट्रेनिंग करें, लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि जब रिटेन आया तो आप पूर्ण पूरी तरीके से किस पर रिटेन पर फोकस करते हैं, और होता है स्टूडेंट का, देर रात तक पढ़ते हैं, सुबह उठना मुश्किल हो जाता है कई बार। लेकिन साथ ही ये बैलेंस बनाना ही आपको होगा कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की जहां पर फिजिकल कंडक्ट होगा, तो आपको दोनों चीजें तालमेल के साथ में लेके आगे चलनी है, आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा है, आपकी स्टडीज के लिए भी अच्छा है। तब अगर आप दोनों चीजों पर ध्यान देते हैं तो आपको जरूरत ही नहीं है कुछ भी पहले ले ले, रिटेन पहले की। दिल्ली पुलिस में क्या हुआ, ऐसे बच्चे जो 90 तक स्कोर करके आए, 90+ तक भी, और 10 दिन का टाइम मिला फिजिकल के लिए, नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि खुद को ट्रेंड नहीं कर पाए, और उनको वो दर्द शायद पूरे जीवन रहेगा, उनको कहीं और सेट होना पड़ेगा, कहीं और सेलेक्ट होना पड़ेगा, उस दर्द को लेकर वो हमेशा रहेंगे कि 70 नंबर के वाले का सिलेक्शन हो गया, क्योंकि उसका दोनों चीजों का बैलेंस था, उसका फिजिकल एंड्योरेंस था इतना कि वो फिजिकल कर पाए। समझ पाए मेरी बात? अपने आप को ट्रेन करने के लिए 10 मिनट कम से कम, भाई 15 मिनट, 20 मिनट, ये आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा है। आप स्टूडेंट नहीं भी होते तब भी आपको ये करना था, कुछ और भी आप कर रहे होते, प्राइवेट जॉब भी कर रहे, तब भी आपको ये करना चाहिए, ये प्लीज करें। और उस तरह के सवालों से बचोगे कि जी, क्योंकि पढ़ते टाइम आपके दिमाग में सिर्फ दो चीजें रहनी है कि मुझको पढ़ना है और फिजिकली ट्रेन करना है, बस। ऐसा नहीं कि जी पहले क्या होगा, होने दो जो पहले होगा, किसी को बता के थोड़ी होगा। और बड़ा मुश्किल है कि एकदम से इतने सारे बच्चों का फिजिकल कराया जाए, होगा तो करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। आ गया, निम्नलिखित में से किस समूह में